सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाकर देखिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। यूनाइटेड अरब अमीरात 7 अमीरातों से मिलकर बना और इन सभी के कानून एकदम अलग, लेकिन दुबई की पॉपुलैरिटी इन सभी अमीरातों से ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सपनों के शहर दुबई की, जहाँ बुर्ज खलीफा को सीधा ऊपर तक देखते हुए गर्दन में दर्द हो जाना आम बात है। तो जानेंगे आज हम इस शहर के ऐसे राज जो शायद ही आप जानते होंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम देखते हैं दुबई के बारे में कुछ रोमांचक बातें। किसी जमाने में दुबई एक वीराना था, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही दिखाई देती थी, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। दुबई में अगर आपको किसी के घर जाना है तो आपको उसके घर के आसपास की लोकेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुबई में किसी भी तरह का पिन कोड, जिप कोड या स्ट्रीट नंबर जैसा कुछ नहीं होता। बिल्ली जैसे छोटे मोटे जानवर तो हर कोई पालता है, लेकिन दुबई के लोगों के अलग ही शौक है। यहाँ इन्हें शेर और चीतों में ज्यादा दिलचस्पी है। इन्हें देख के हमारी मुंड में से पसीना निकल जाता है, उन्हें पालना पसंद। इंडिया में ट्रैफिक लाइट को तोड़ के फरार हो जाना तो आम बात है, लेकिन दुबई में अगर आप ऐसा करते हो तो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए आपकी प्यारी सी फोटो, कांड करने का समय और वारदात की सारी वीडियो के साथ आपका चालान आपके घर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि कैमरे आपको देख रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे की नजर आपके ऊपर 24 घंटे रहती है। 10 में से 7 दुनिया के सबसे ऊंचे होटल दुबई में ही है, 10 में से 7 वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल दुबई में ही, जिसमें से सबसे अलग बुर्ज अरब है। ये पूरी दुनिया में इकलौता 7 स्टार होटल है, जहाँ का सिर्फ एक दिन का किराया सिर्फ एक दिन का 13 लाख रुपए है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का नाम कौन नहीं जानता, जो 828 मीटर ऊंची है और जिसे 90 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि यहाँ 80वें फ्लोर से ऊपर रहने वाले लोगों को रमजान में रोजा 2 मिनट बाद खोलना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मारने वाला है या आपकी किसी ने सुपारी दे दी है तो आप दुबई चले जाइए, क्योंकि यहाँ क्राइम रेट 0% है। यहाँ के कड़े कानूनों ने सबकी फाड़ रखी है। अगर आपका पूरा दिन बस स्टैंड पर ही निकल जाता है तो दुबई से अच्छी जगह आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ बस स्टैंड पर भी एसी लगे हुए हैं। दुबई में आपको काफी अपना अपना सा लगे, क्योंकि वहाँ 50% लोग इंडियन है और सिर्फ 15% ही दुबई और बाकी के अलग अलग देशों से। फ्लोरिडा के डिज्नीलैंड का नाम कौन नहीं जानता। कहते हैं एक बार वर्ल्ड डिज्नी से दुबई ने डिज्नीलैंड बनाने की बात की, जिसके लिए उन्हें साफ साफ मना कर दिया। कहते हैं अब डिज्नीलैंड की जगह दुबई लैंड की तैयारी दुबई में बहुत जोरों शोरों से, जो डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा होगा और जिसके 2020 तक पूरे हो जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ठरकी हैं तो आपको दुबई से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पब्लिक प्लेस पर किसियां करना इलीगल है और गैर कानूनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 में एक अनमैरिड कपल टैक्सी की बैक सीट में बैठकर दुबई में किसियां कर रहे थे। उनकी चुम्मियों को देखकर उन्हें पूरे 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दुनिया की सबसे लंबी गोल्ड चेन, उस 20% क्रेन और दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई में ही है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि दुबई से तेल गया तो दुबई गया, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई की इकोनॉमी में तेल की हिस्सेदारी सिर्फ 6% है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा रियल एस्टेट और टूरिज्म से आता है। जहाँ हिंदुस्तान और बाकी देशों में एटीएम में पैसे की कमी रहती है, वहीं दुबई में कई ऐसे एटीएम हैं जहाँ पैसे की जगह एटीएम से सोना निकलता है। अगर इंडिया में आपकी टैक्स दे देकर बूंद टूट गई है तो आप वो टूटी हुई बूंद लेकर दुबई आकर जुड़वा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता। सड़कों पर ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम तो हर कहीं होती है, लेकिन अगर दुबई में ऐसा होता है तो वहाँ महंगी से महंगी सुपर कार्स की लाइन लग जाती है।
दुबई में सिर्फ लोगों के पास ही नहीं बल्कि पुलिस के पास भी लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। सोना यानी गोल्ड किसे नहीं पसंद, लेकिन दुबई के लोगों को सोना कुछ ज्यादा ही पसंद है। यहाँ सोने का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे होता है। सन 2013 में यहाँ सोने का इतना व्यापार हुआ जो 396 हाथियों के वजन के बराबर था। इसलिए दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आप बेफिजूल खर्चा करते हैं तो एक बार जरा इसे देख लीजिए। जी हाँ, यहाँ आपको ऐसी कई गाड़ियां मिल जाएंगी जिन पर सोने की लेयर चढ़ी होगी। एक बार एक लड़के ने अपने पापा से बोला कि पापा पापा, मुझे भी ऐसी सोने की कार लेनी है। पापा मुस्कुराए और अपने बेटे को दो प्यारे से वर्ड बोल के वहां से चले गए। चल बोजड़ी के। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाकर देखिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।